ओहो भैया, कॉन्करर का भैया फेम सीजन 13। अरे प्रथमेश सुन ना, हाँ बोलना ठंडे ठंडे गेमर बोलना। रेंजर साइकिल। हर हर सीजन कॉन्करर जा रहा है। हाँ तो भाई अपने पास तगड़े वाले हैं क्या ना, इसलिए खेलते आता है आ जा बेटे। वन वी कि वन बस कैम करके जा रहा कैम है। करके कॉन्करर जा ही नहीं सकता भाई, कोई खेलना भी आना चाहिए। केडी देख ले बेटे, आजा टीडीएम खेलेगा 1v1। देख बेटे रोना नहीं फिर बाद में। आजा फिर आजा, M24 ओनली। ठीक है, रूम बना रूम बना। टीम मैच लेट्स गो। तो गैस आज होने वाला है 1v1 TDM विथ रेंजर आर के M24 ओनली। और टाइमिंग देखो, मतलब एग्जैक्ट टाइमिंग पे भाई साहब ने नेड किया जब हम कर रहे थे। लेकिन अगर उन्होंने थोड़ा लेट फेंका होता तो हम यहाँ पर किल हो सकते थे, लेकिन नहीं। हमको उनका थोड़ा पिछवाड़े का थोड़ा कुछ तो भी दिखा था, मतलब ड्रेस का, आउटफिट का, जो कुछ तो भी था, पीला पीला पीछे से, पीला पीला पता नहीं उनका जो भी होगा अपने को नहीं पता। तो यहाँ पर अपन रेंजर को मार देते और उसकी खूंखार निकलती है बिल्कुल, मतलब आवाज़ निकलती है और वो हमारी भी निकाल देता है। आवाज़ की बात कर रहा हूँ मैं। तो उसी के साथ साथ यहाँ पर दोनों के एक किल, एक एक किल हो गए। देखने वाली बात यह है कि कौन जीत सकता है। यहाँ पर अपन शॉट लेने का ट्राई कर रहे थे, बिल्कुल भाई मार दिया भाई। तो यहाँ पर अपन जीतने नहीं। ओ भाई मेरे से आगे चला गया, रुक जाओ बेटे। अभी देखो आपका भाई कैसा दिमाग लगाएगा। ऐसा दिमाग आप भी लगा सकते हो, हर जगह पे लगा सकते हो। मैं बता दो कैसा दिमाग लगाना भाई। रुक जा रुक क्या जा, हुआ मार क्या मत हुआ मार मत। क्या हुआ, अबे अबे एक दिक्कत चल बोल रही है, क्या एक हुआ दिक्कत चल रही क्या है। बोल रहा। हाँ क्या हुआ यार, उल्लू मन्ना साले बड़ा चीटिंग को करके रुक जाए, गया। उल्लू मन्ना बड़ा को तो चलता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जीतने के लिए सब कुछ जायज है। ओपी शॉट बोलते इसको। तो भाई साहब जो है हमसे वापस आगे निकल गए। अब सेम चीज़ अपन यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वापस टीम अप करने जाएंगे तो वो पहले ही मार देगा, उसको पता चल गया है। तो भाई अगर ऐसा चलता रहा तो यहाँ पर हम हार जाएंगे बहुत बुरी तरीके से। अब हमें हमारी अंदर की शक्तियों को जो है ऊपर लाना साले पड़ेगा, बाहर लाना पड़ेगा। तो रुक जाओ, अभी आपका भाई देखो मतलब गुस्सा, अगर अब मेरे को गुस्सा आ जाता ना बेटे, मैं बहुत गंदा मारता हूँ, बिल्कुल बहुत गंदा। ये देखो पता तक नहीं चलेगा बंदे को, बंदे की खोपड़ी उड़ जाएगी। लेकिन ये कभी कभी होता है, तुक्के में, हर बार नहीं होता है। आ जा आ जा आ जा आ जा, ये ले। अबे यार मारा मैं यार, हद है। अरे मजाक चल रहा है साले, इधर भंडारे में आया तू, मतलब इधर मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तू मेरे को मारे जाएगा और मैं मतलब नूब की तरह खेलूंगा। ना ना बेटे, ना 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 ना, हम भी बहुत पुराने खिलाड़ी बेटे। तो ये देखो, भागो भागो नेट से, भागो बेटे तुम भागो, नहीं बच पाओगे, क्योंकि हम नेट बिल्कुल टाइमिंग पे फेंके थे। यहाँ पर हमें वापस पैन करने की ट्राई कर रहा था लेकिन नहीं किया। आइए, तो भाई साहब का एम ही नहीं लगा। ये ले, अबे पड़ा यार तेरे को, हद है। बेटे हेड में और बॉडी में बहुत फर्क होता है, पता नहीं क्या तेरे को। बोले तो यार तेरे को क्लासेस करने, तो मेरे पास आ जाइए मामू, तेरे को अपन क्लासेस सिखा देगा। ये देखो भाई हार्ड विक करके रखा बंदे ने, फिर भी नहीं मार अबे पाया। यार पढ़ रहा है तेरे को। नहीं मतलब क्या ही चिल्ला रहा है बंदे, मेरे को वॉल्यूम कम करनी पड़ी। ओ भाई आ जा। ओ भाई मिस हो गया, मिस हो गया। ओहो तेज हो रहे बेटे। आई थिंक इसने जो है मेरे नाम की माला जपनी स्टार्ट की होगी। कूल गेमर कूल गेमर कूल गेमर, इसलिए जो है अभी ये थोड़ा सा सीख रहा है। तो आप भी ट्राई कर सकते हो, लाइक अगर आपको भी प्रो बनना है गेम के अंदर तो 108 बार कूल गेमर की माला जपी आप प्रो हो जाओगे। ओके
ओ भाई, तो यहाँ पर देखो अपन कैसे मारते हैं इसको। अपन इसको पूरा घुमाते हैं चारों तरफ से कि मार पाए और अपनी हेल्थ फुल हो जाए, और फिर देखो क्या होता है। अब देखो इसको कैसे मारेंगे, मर जा भाई अब। और यहाँ पर मेरा फायर का बटन ही काम नहीं किया। रीलोड होता है भाई, ज़िंदगी रीलोड, में दिक्कत बहुत आती है। अब बंदा रिलोड कर रहा था इसलिए मैं जानबूझ के अरे नहीं मारा रीलोड, उसको, लिटरली मैं उसको अरे जानबूझ के नहीं मारा। और मैं जब रिलोड करने गया तो रीलोड कर, रीलोड कर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार, चलता है, हार जीत तो होती रहेगी। ये देखो बस, मतलब भाई ग्रेनेड से मारने का मैं बहुत ट्राई किया लेकिन एक ग्रेनेड से मर ही नहीं रहा था, और मेरे ग्रेनेड से मेरे को ही डैमेज हो गया। लो, और यहाँ पर हमारा फायर का बटन, ले 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 इससे ले पहले ले हम ले। दबाए, भाई साहब ने फायर कर दिया और ख़त्म कर दिया हमको। लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इस बार अपन थोड़ा दिमाग लगाएंगे क्योंकि हम जब भी वहाँ से जा रहे तो मर रहे, तो अपने को इस टाइम क्या करना चाहिए, अपने को पोजिशन चेंज करनी चाहिए। तो हम यहाँ पर एक नेड करते हैं लेकिन उससे पहले वो वहाँ से निकल लेता है पहली फुर्सत में। तो उसको पहले एक शॉट पड़ा था उसके बैक के ऊपर, बैक शॉट, बैकपैक शॉट पड़ा था, लेकिन उस बैकपैक शॉट से उसको कुछ नहीं हुआ, बस हेल्थ वेल्थ उसकी डैमेज हो गई, लेकिन चलता है अभी, क्या कर सकते हैं। उसने अपने ऊपर नेड किया था, लेकिन अपन जो है वहाँ से निकल लेते हैं और भाई साहब को अपन मारने का वापस ट्राई करने देते, क्योंकि यहाँ पर इक्वल हो गया ले था, ले 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 और ले 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 ले। यहाँ पर अगर अपन पीछे हो जाते हैं तो Half of the दिक्कत हो match is जाएगी। over अब and इसको the दो reload, शॉट पड़े reload, फिर reload, भी ये end of नहीं मरा, reload मुझे नहीं पता यार। क्यों। अब भाई साहब टीम अप करने के सुन लिए आ गए। सुन सुन ना सुन, अभी अभी भी हार मान ले, छोड़ दूंगा। नो मर्सी, अच्छा रुक 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 रुक, बेटे चल, ओपन ओपन इमोट कर रहा हूँ, दम है तो मार के दिखा, मार। यहाँ पर भी मिस कर दिया भाई साहब ने, बंदे का हेडी कनेक्ट नहीं होता रे। अरे रे रे रे, ये ले बेटे। ओ भाई साहब मार हमसे दिया रे। मैं बोल रहा हूँ। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अभी अपन एक पॉइंट से आगे ट्राई करेंगे इसको और ज्यादा पीछे करने का। अब यहाँ पर मेरा पिंग अगर आप नोटिस कर रहे हो स्टार्टिंग से, तो भाई बड़ी 300 के ऊपर जा रहा है, कभी 250 के ऊपर जा रहा है, और अभी भी आप देख सकते हो 132, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है, लिटरली बहुत ज़्यादा, 200 250 के ऊपर जा रहा है, 300 के ऊपर जा रहा है। तो उस वजह से मेरे को बड़ी दिक्कत आ रही थी, नहीं तो नॉर्मली पिंग ठीक ठाक रहता है, लेकिन जब मैं TDM कर रहा था तब मेरा पिंग कुछ ज़्यादा हाई चल रहा था। अब नाच अब यहाँ पर जो है वो मेरे से तेरे आगे निकल गया है पे। भाई। अब देखने वाली बात यह है कि क्या मेरे को वो हरा पाता है या नहीं। और मैं ज़्यादातर मारना मरता है हूँ नेड के क्या? चक्कर में, नेडिंग करने के चक्कर में मैं बहुत बार मर जाता हूँ, क्योंकि नेड इतना परफेक्ट नहीं हो पाता है क्लोज रेंज में। लाइक अगर बंदा कांस्टेंट तो रहता ही नहीं है TDM में एक जगह पे कि नेड करके उसको मारा जाए, तो नेडिंग के चक्कर में मैं खुद बहुत बार मर जाता हूँ। यहाँ पर इसको एक बॉडी शॉट कनेक्ट हुआ, एक्सपायर्ड। अरे बे, देन भाई साहब ओ छुप भाई गए, रिलोडिंग। देन भाई साहब छुप गए जाके। लेकिन नहीं बेटे, ऐसे नहीं चलता है रे, भंडारे में थोड़ी ना आए हो यार। तो यहाँ पर मैं ट्राई किया यार जंप एंड शूट करने का लेकिन नहीं हो पाया, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर ये मुझे नहीं पता क्या कर रहा था भाई। अच्छा, शायद जो मैंने इसको पैन से मारा था उसी चीज़ की ये कोशिश कर रहा होगा कि मेरे को 1 HP छोड़ा है तो मुक्का मारा जाए, लेकिन नहीं रे, हर बार थोड़ी ना चलता है। ये ले बेटे, थर्ड लेवल लिया बे, थर्ड लेवल लिया ब्रो, ऐसे थोड़ी। कहाँ थर्ड लेवल ब्रो, कहाँ से थर्ड लेवल, कौन सा थर्ड लेवल। तो यहाँ पर पिंग देख सकते हैं 300 के ऊपर वापस चली गई, लेकिन इस पिंग में भी अपन उसको मारेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वापस देखो पिंग सही हो गई, लाइक बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रही थी मेरी पिंग। तो अपन यहाँ पर ट्राई करते हैं वापस नेट कर, मतलब खुजली बहुत है, चीज़ होगी नहीं मुझे पता है, लेकिन मैं बार बार उसको ट्राई करता रहता हूँ। ये देखो, इससे भी उसको कुछ नहीं हुआ, लाइक बहुत सही नेट था जिससे उसको डैमेज बहुत हुआ होगा, बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ होगा, लेकिन क्या फ़ायदा। तो यहाँ पर 1 मिनट बचा है और अपने 15 किल उसके 12 किल, 3 पॉइंट का फर्क है, कभी भी दुनिया बदल सकती है भाई, भरोसा नहीं है। ये लो भाई, सिर्फ 2 पॉइंट का फर्क रह गया है, हो सकता है कि अभी भी मेरे को पीछे छोड़ दे। नो मर्सी।
तो शायद इनको पता नहीं कि टिकटॉक बैन हो गया, अब टिकटॉक नहीं चलता है भाई। पैरी पैरी दो किया बंद कर दो यार, मतलब ये करता रहता है, इसको आदत है, जब भी मैं देखो ये यही चीज़ करता रहता है, मोबाइल सामने चालू करेगा और तेरी प्यारी प्यारी दो अखिया करता रहेगा। लेकिन क्या करे भाई, इसको इतना सदमा लगा, मैं बता रहा हूँ जिस दिन टिकटॉक बैन हुआ मैं इसके घर पे जाके इसको समझा रहा था, इतने इतने ज़ोर ज़ोर से रो रहा था, इसके अड़ोस पड़ोस के लोग आ गए कि क्या हो गया क्या हो गया, तो सबको भगा दिया मैं समझा के कि भाई इसका कुछ हो गया है, मतलब समझ लो आप कि गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गए इसको। तो लेकिन रीज़न एक था ही नहीं, रीज़न था कि भाई टिकटॉक बैन हो गया और ये जो पैरी पैरी दो किया करता है तो वो अब ये नहीं कर पाएगा, लेकिन सदमा इसको बहुत जोर का लगा था। तो अब ये क्या करता है, पबजी में इमोट करता रहता है पैरी पैरी दो की वाला, तो क्या कर सकते भाई, अब पबजी के अंदर तो इसको नहीं समझा सकते हम। The blue team leads with 30 seconds left. Headshot बोलते बेटे। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 20 सेकंड बचे थे, मेरे 17 किल थे उसके 15 किल थे, और यहाँ पर फिर से मेरे को ग्रेनेड की खोजली हुई, मैं ट्राई किया ग्रेनेड करने का जिसका कोई फायदा नहीं होता है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट का फर्क था, देखते क्या होता है और क्या नहीं, क्या मुझे वो हरा पाता है या फिर मैं उसको हरा पाता हूँ या फिर इक्वल हो जाता है। ओ भाई साहब, तो यार गाइस आपको AR5 चाहिए या नहीं चाहिए मेरी और रेंजर आर की, मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना। उसी के साथ साथ ये मैच सिर्फ उसे फ़न के लिए था, फ़न के वे में लेना, हेट मत करना ना उसको ना मेरे को, बस ज़िंदगी में दिक्कतें ना, इसलिए हम मज़े करते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।